कलयुग में सच्चाई की रोशनी धीमी पड़ रही है, परंतु पूरी तरह बुझी नहीं है। उस युग में, उस संकट की घड़ी में लिपटा कोई भी मनुष्य अगर एक बार मेरा नाम स्मरण कर ले तो उसके सारे संकट मिट जाएंगे। यही कारण है कि कलयुग में जन्म लेना सौभाग्य की बात है, क्योंकि इस युग के बाद एक नई सुबह होगी और होगी नए सुनहरे युग की शुरुआत। राम राम भाइयों, मतलब इस स्केच में हम वाटर कलर का यूज़ करेंगे। मैं अभी कुछ दिन पहले ही इसके वाटर कलर लेके आया हूँ। अब मैंने क्या कभी अपनी लाइफ में वाटर कलर को यूज़ करा नहीं है, पता नहीं ये कैसा बनेगा। आप देखिए और बताइए कमेंट में। दोस्तों, मैंने कभी इससे पहले कभी वाटर कलर को यूज़ करा भी नहीं था, तो मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वाटर कलर कैसे करना है कैसे नहीं करना है। ना ही मैंने कुछ ट्यूटोरियल देखे थे इसके, बस कलर लिए और शुरू हो गया। मुझे ये पता भी नहीं था कि मतलब कैसा बनेगा। बाकी अब देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। दोस्तों, आप आर्टिस्ट हो तो आप जानते होगे कि इन्हें वाटर कलर करने के लिए वाटर कलर का पेपर यूज़ होता है, जो कि मेरे पास अभी था नहीं। तो इस पेपर को करने के लिए मुझे बहुत दिक्कत आ रही थी थोड़ी। वाटर कलर करने के लिए पेपर का जीएसएम ज़्यादा होना चाहिए, पर इस पेपर का जीएसएम थोड़ा कम था,